हेलो एवरीवन, आज मैं फिश करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आप लोग मेरे वीडियो एंड तक बने रहिएगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ऑलरेडी फिश को फ्राई करके रखा हुआ है। करी में जो जो इंग्रेडिएंट्स डालना है मैंने सब कुछ धोकर रेडी करके रखा हुआ है इधर। और उस तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के, तेल डाल के मैंने कढ़ाई को चढ़ा हुआ है। इसके बाद मैंने तेल गर्म हुआ के नहीं, मैंने वो जो मणिपुरी का जन्म पत्ता है ना, वो एक दो पत्ते डालकर कढ़ाई में चेक किया था कि कढ़ाई गर्म हुआ के नहीं। तो मेरा कढ़ाई पूरा गर्म हो चुका है। तो अभी मैं जन्म पत्ता को डालना है। ये जन्म पत्ता इंग्लिश में चाइनीज सीप्स बोलता है शायद, मैंने इसे डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा भून लेना है। चाइनीज चिप्स को तब तक भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक भून लेना है। तो देखो गाइस, 2 से 3 मिनट रखने के बाद उसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है। तो हम जो मैंने टोमेटो काट के रखा हुआ था वो डालना है पहले। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आलू डालना है। तो देखो गाइस, मेरा ये टमेटो थोड़ा बहुत पक चुका है। उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है गाइस। आलू और टमेटो एक साथ पकाना है अभी 5 से 10 मिनट तक रखना है। पाँच से 10 मिनट के बाद मैंने मसाला डाल दिया। मेरा मसाला है हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। मैंने ये सब मेरे हिसाब से डाला है। अभी मसाले और आलू एक साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद पानी डालना है। पानी को मैंने पूरा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालना है, मैंने पूरा एक बार में ही पूरा डाल दिया। अभी मैं ये हवाई डाल रही हूँ, मणिपुरी में कलंद्री कलंद्री हवाई बोलता है, हिंदी में मुझे पता नहीं। सो गाइस, आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो गाइस, मेरा ये करी अभी उबालना है, तो मैंने उबालने के लिए अभी ये करी रख दिया है। तो देखो गाइस, अभी मेरा एक करी उबाल रहा है। थोड़ा उबालने के बाद अभी मुझे अभी फिश डालना है। फिश तो मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ है। तो अभी मुझे ये फिश डालना है। और इधर मैंने एंड में डालने के लिए धनिया पत्ता भी काट के रखा हुआ है, उसको भी डालना है एंड में। तो अभी मैंने यहाँ फिश डाल लिया करी पे, और फिश डाल के अभी थोड़ा बहुत और पकाना है। तो गाइस, अभी मैंने पके हुए आलू के पीस थोड़ा निकाल दिया और थोड़ा ऐसे ग्लास से थोड़ा तोड़ के फिर से डाल दिया। उसके बाद मेरा
करी रेडी होने वाला है। अभी देखो गाइस मेरा करी रेडी हो गया। अभी एंड में धनिया पत्ता डालना है जो मैंने काट के रखा हुआ था, और अभी एंड में डालना है धनिया पत्ता। तो गाइस मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया तो मेरा करी रेडी हो गया। तो गाइस आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो गाइस ये रहा मेरा करी का फाइनल लुक। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।